वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन फिर बाय इलेक्शन जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक की जहां पर 23 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा हुई। चलिए बात कर लेते हैं एक एक बारे में। तो आप देख सकते हैं तमाम जो यहां पर खबरें हैं वहां पर चली आ रही हैं। अब इस मीटिंग में देखना है कि बेरोजगारों से संबंधित कोई सूचना है या नहीं है, या महत्वपूर्ण खबर, या फिर ऐसी कोई योजना जो संबंधित है। तो आप देख सकते हैं पूरा यहां पर पहला ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की ओर से, दूसरा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 12, जिसमें प्रति बाल व्यक्ति की तरफ से यहाँ पर जो ये इंडेक्स है उसके उसमें जारी है। तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मिलों को, अच्छा यहाँ पर चौथी जो है इसको आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ रीजन एम्प्लॉयमेंट की, सितारगंज चीनी मिल को आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित किए जाने पर और पीपी मोड में दिए जाने की कार्रवाई को निर्देश दिया जाएगा। यानी जो चीनी मिल है उस पर यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं निदेशालय लेखा परीक्षा के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग सम्मिलय सेवा नियमावली की अनुमति दी गई है, ये भी बेरोजगारों से संबंधित है। अगला रेशम विभाग में, जैसे कि आपको पता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी इसमें जो है लिखित परीक्षा होने वाली है, तो रेशम विभाग के वर्ग क, ख और ख के अधिकारियों के सेवा नियमावली में भी यहाँ पर जो है संशोधन किया जाएगा, ठीक है, या अनुमति दे दी गई है। उसके अलावा सातवां भी है लोक सेवा आयोग की जो है 20वें वार्षिक प्रतिवेदन के सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति, यानी कि आपको बहुत ही जल्दी लेखा लोक सेवा आयोग में चेंजेस देखने को मिल सकती है। इस तरह से आप देख सकते हैं आठवें में सिंचाई विभाग की मेट सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं नौवां जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है कि सीधी भर्ती के कांस्टेबल एवं नवीन पद नाम ASIM की उनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा आंकित करते हुए ACP अमूल्य किए जाने की उसमें स्वीकृति दे दी गई, यानी कि पुलिस विभाग की ओर से यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 14वें नंबर पर, यानी कि 14 नंबर पर आ जैसे राज्य के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता है उसको सुधार के लिए कुल 77 शिक्षकों से सितंबर 2022 तक यहाँ पर कार्य बढ़ाने की जो है अनुमति दे दी गई। इस तरह से तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड भी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं, कुल मिला के 23 निर्णय लिए गए हैं। बाकी इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे संबंधित कौन सा यहाँ पर कैबिनेट ने जो है निर्णय लिया जो आपके लाइफस्टाइल को या फिर आपके आम जनजीवन को इफेक्ट करता है। बाकी मुझे बेरोजगारों से रिलेटेड तो यार इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं लगी जो कैबिनेट ने ली। हालांकि काफ़ी इंतज़ार इसमें इस कैबिनेट मीटिंग का था, स्पेशली आपने देखा होगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की एज को लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही थी। बाकी देखते हैं क्या निर्णय निकल के सामने आता है आगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।